दोस्तों ये लड़का MIT कॉलेज में स्वीपर होता है। एक दिन झाड़ू लगाते वक्त उसे ब्लैक बोर्ड पर मैथ्स का एक सवाल दिखाई देता है और वो उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देता है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से उनका कॉलेज एक न्यूज हेडलाइन बन जाता है, क्योंकि ये मैथ्स का सवाल पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बन चुका था और जो भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसे नोबेल प्राइज दिया जाने वाला था। लेकिन उस कॉलेज में किसी को भी ये पता नहीं होता कि एक ही रात में इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर गया। अब पूरे कॉलेज के प्रोफेसर और टीचर्स उस ब्रिलियंट दिमाग की खोज में लग जाते हैं, इसीलिए वो लोग ब्लैक बोर्ड पर एक और मुश्किल सवाल लिख देते हैं, जिस सवाल को छुड़ाने के लिए मैथ्स के प्रोफेसर को 2 साल लग चुके थे। अब उस रात जब वही लड़का सफाई करने आता है, उसे ब्लैक बोर्ड पर नया सवाल दिखाई देता है। वो जल्दी से चौक से उस सवाल को छुड़ाने लग जाता है। उसी वक्त प्रोफेसर क्लास से बाहर निकलते हैं और उनकी नज़र स्वीपर लड़के पर पड़ती है। उसे लगता है कि वो उस सवाल को मिटा रहा है, इसीलिए वो उसे गालियां देके भगा देता है। पर जब वो बोर्ड पर देखते हैं तो उन्हें शॉक लग जाता है, क्योंकि उस लड़के ने उस सवाल को सॉल्व कर लिया होता है।